नमस्कार दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कैसे आप गूगल क्रोम के ब्राउज़र के अंदर अपने सेव किए हुए पासवर्ड को देख सकते हैं। दोस्तों क्या होता है कि जब हम अपने इंटरनेट पर गूगल क्रोम के अंदर कोई भी सोशल नेटवर्क साइट, वेबसाइट, ब्लॉग, जो भी एक्स वाई जेड लॉगिन पैनल खोलते हैं तो उसका पासवर्ड हम सेव कर लेते हैं। अब हमको ये पासवर्ड देखना हो तो हम कैसे देखें, कहाँ पर ये मिलेगा, कैसे शो होगा, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमको जाना है, थ्री डॉट आपको लेगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको मिलेगी सेटिंग, सेटिंग पे आप क्लिक कर दें। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद ये आपको मिलेगा ये की का आइकन और लिखा है पासवर्ड, आपको सिंपल सा इस पर क्लिक कर देना। जितने भी आपने पासवर्ड सेव किए हैं, वेबसाइट का नेम यहाँ आ जाएंगे, यूज़र नेम यहाँ आ जाएंगे और पासवर्ड यहाँ आ जाएंगे। हमको ये देखना है तो हमें देखना है ये वाला, ठीक है। ये पर आपको थ्री डॉट दिख रही है, फिर क्लिक करना है और यहाँ डिटेल्स पे क्लिक कर देना है। डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद ये एक और डायलॉग बॉक्स आएगा और यहाँ पर आपको आई दिख रहा है, आई आइकन पे आपको क्लिक कर देना है। आई आइकन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड डालना होगा। किसका पासवर्ड मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पर वो पासवर्ड डालना है आपको जब आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर ओपन करते समय डालते हैं। दोस्तों क्या होता है, कुछ लोग पासवर्ड लगाते हैं अपने लैपटॉप कंप्यूटर में, तो वो पासवर्ड आपको यहाँ भी लगाना होगा, एंटर करना होगा, तभी ओपन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम पासवर्ड डालते हैं। और दूसरी बात दोस्तों, अगर किसी ने कंप्यूटर लैपटॉप पासवर्ड नहीं डाला है तो यहाँ भी डालने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये आपको सिक्योरिटी आपकी विंडो से रिलेटेड मांग रहा है, तो हम डाल देते पासवर्ड यहाँ पर और यहाँ ओके कर देते हैं। यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, चलिए दोबारा ट्राई करते हैं। शायद हाँ, अब ट्राई करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पासवर्ड यहाँ पर ओपन हो गया। देखिए अब इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं आप, कुछ भी इसका कर सकते हैं, है ना। तो आपको पासवर्ड डालना है तब आपका पासवर्ड ओपन होगा। तो दोस्तों ये सिक्योरिटी उन लोगों के लिए रहती है जब किसी को आप लैपटॉप वर्क करने के लिए दे देते हो तो वो अपने सेव किए हुए आईडी पासवर्ड को देख ना पाए, अपने ईमेल आईडी हुए, सोशल नेटवर्क की साइट हुई, इन चीज़ों को सिक्योर रखता है ये विंडो। और अगर आप लैपटॉप भी है अगर नहीं डाला तो अभी आप डाल लें पासवर्ड, बेस्ट रहेगा। इससे क्या, कोई भी यूज़र जब आपका लैपटॉप यूज़ करेगा तो आपकी पासवर्ड नहीं देख पाएगा। उसे पासवर्ड देखने के लिए आप उसको लैपटॉप कंप्यूटर का भी पासवर्ड ओपन डालना पड़ेगा, जो यहाँ डायलॉग बॉक्स में आता है ना। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा हो। दोस्तों इसी तरह की और हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल बने रहिए। ओके फ्रेंड, थैंक्स एंड बाय बाय।